एक महीना हो रहा है लगभग। एक महीने में उन्होंने जो डिसीजन लिया एलोरा अजंता जो बंद का, उसके कारण ये औरंगाबाद एयरपोर्ट से जो आने वाला टूरिज्म है, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से भी जो आने वाला टूरिज्म है, पर्यटक है, वो पूरा जो है यहाँ पे स्टॉप हो गया है। खाली इंडस्ट्री के थोड़े बहुत लोग एक पूरे दिन में एक बहुत हुआ तो 20-25 लोग जो है औरंगाबाद में आ रहे हैं खाली इंडस्ट्रीज के। टूरिज्म जो आता था हज़ारों से यहाँ पे, कम से कम 1,000 टूरिज्म इस बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आता था, वो पूरा टूरिज्म यहाँ पे अभी बंद हो चुका है। एक महीना हुआ है। और ऐसी न्यूज़ से क्या होता है कि अभी एक महीना गवर्नमेंट ने बंद रखा, आने वाले 1-2 महीने में और मतलब शुरू भी किया तो 2 महीना यहाँ का बिजनेस पिकअप लेने में लगता है। और इसके बाद में आज हम कलेक्टर साहब को निवेदन देने गए थे पूरी यूनियन के तरफ से, एयरपोर्ट के तरफ से, कि हमारा जो ये एयरपोर्ट से चलने वाली जो टैक्सियाँ है, जो यहाँ के ऑटो है, और वहाँ पे जो हमारे होटल रेस्टोरेंट वाले भी जो सहकारी दोस्त हैं हमारे, उनका सबका बिजनेस चले, इसके लिए आप कुछ नियमों के साथ कुछ टर्म्स कंडीशन लगा के एलोरा अजंता की गुफाओं को शुरू करें। आज हमने एक कलेक्टर साहब को निवेदन दिया, निवेदन में हमने सभी का उसमें जो है तो उल्लेख किया है, हमारे होटल वालों का भी किया, रेस्टोरेंट वालों को भी किया, का पार्किंग वाला वहाँ का एयरपोर्ट का है, एलोरा का पार्किंग वाला है, उसके बाद में चाय की टपरी वाले है, पान टपरी वाले, पंचतारांकित होटल से सबका हमने उनके पास में आज लेखा जोखा जो है कलेक्टर साहब को दिया। कलेक्टर साहब ने बोला हम जल्दी उस पर मीटिंग लेंगे और अजंता एलोरा जो बंद हमने किया है उसके ऊपर कुछ नियमों के मीटिंग में कुछ नियम्स टर्म्स कंडीशन लगा के शुरू करने का प्रयास हम करेंगे। फ्लाइट यहाँ पे जो है, पहले यहाँ पे फ्लाइट चलते थे, 6 फ्लाइट यहाँ पे डेली चलते थे, इंडिगो के 4 फ्लाइट यहाँ से चलते थे, एयर इंडिया के 2 फ्लाइट यहाँ से उड़ान भरते थे, उसमें से 3 फ्लाइट जो है दिल्ली से आते थे डेली, उसमें से 2 इंडिगो के और 1 एयर इंडिया का फ्लाइट था, और 2 फ्लाइट यहाँ पे मुंबई के आते थे, 1 हैदराबाद का फ्लाइट था। यहाँ का शेड्यूल ऐसा था कि एक फ्लाइट में उस समय कम से कम 150 पैसेंजर यात्री आते थे। अभी वही यात्री जो है पूरे 6 फ्लाइट मिलके, जब ये लॉकडाउन इन्होंने जाहिर किया उसके बाद में जो 600 से 700 लगभग पूरे फ्लाइट में यहाँ पे यात्री आते थे, वो यात्री यहाँ पे 150 या 180 की संख्या में 6 फ्लाइट में आने लगी। इसके कारण फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी को या इंडिगो को ये डिसीजन लेना पड़ा कि इंडिगो के यहाँ पे कम से कम 3 से 4 फ्लाइट का शेड्यूल कैंसिल करना पड़ा। अभी इंडिगो का दिल्ली का मॉर्निंग का फ्लाइट भी कैंसिल है, दिल्ली का जो आने वाला इंडिगो का फ्लाइट है शाम का वो भी कैंसिल है। हाँ सर, मैं सुरेश रत्नपार के बोल रहा हूँ सर। अभी जो 1 महीने से जो टूरिज्म बंद है सर इधर, इसकी वजह से ना घर में मतलब पेट कैसा भरना है इसकी भी भ्रांत चल रही है सर। अभी एक दिन आ रहा है वैसे निकल के जा रहा है सर। अभी ये जो ब्रह्मांड है पेट का वो कैसे भरेंगे सर? अभी बाल बच्चे है घर में, कुछ खर्चा पानी लगता है। कोरोना 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 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी 3रा साल लगा है सर। ऐसे अगर चलते रहे तो हम कैसे जियेंगे सर? या इसका कोई पर्याय तो है नहीं ना सर, कि गवर्नमेंट से हम क्या मांगेंगे सर? गवर्नमेंट हमको क्या देने वाली है सर? कम से कम अगर टूरिज्म अगर चालू रहा तो सर, कम से कम हम भीख नहीं मांग रहे, कम से कम उसमें हमारा रोजी रोटी तो मिलेंगी सर, तो वो रोजी रोटी में हम हमारा घर चला सकते हैं सर। निवेदन दे के आ रहे हैं, इसमें जो है हमने निवेदन में कलेक्टर साहब से विनंती की है, हमने रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ पे एलोरा और अजंता जो है वो जल्द से जल्द शुरू करें। अगर ये शुरू होता है, कलेक्टर साहब ने निवेदन लिया है और 2-4 दिनों में इसके ऊपर में मीटिंग लेके हम जल्द से जल्द इसमें से रास्ता निकालेंगे। हमने उनसे बोला है कि अगर हज़ारों अगर कस्टमर या पैसेंजर आ रहे, यात्री आ रहे एलोरा और अजंता देखने के लिए, तो कुछ नियम और टर्म्स कंडीशन के हिसाब से आप उनको ई पास दे के 200-300 पर डे का टूरिज़म एलोरा में और 200-300 अजंता के लिए तुम परमिशन दो और कुछ नियमों के अंतर्गत चलाओ। ये निवेदन आज का हमने कलेक्टर साहब को दिया है। सर ये रिक्शा वाले तो सुबह से आ रहे या पार्किंग दे के जा रहे, सिर्फ 1 रुपये का धंधा नहीं, कुछ भी नहीं, 100-150 रुपये का भी भाड़ा नहीं मिल रहा है। और ये पहले से एयरपोर्ट से धंधे की आदत है इनको, दूसरा धंधा बाहर का करते नहीं। एयरपोर्ट के ऊपर तो पूरी फ्लाइट कैंसिल हो रही, 3 फ्लाइट आ रही, 3 में से 1 रिक्शा भी नहीं कट रही है, सिर्फ 50 रुपये का भी धंधा नहीं हो रहा उनको, और पार्किंग तो पैसा दे कर जा रहे हैं यहाँ से। मेरा नाम लखन थोरात है सर। हमारे पार्किंग में रोज 200-300 टैक्सी एक फ्लैट में लगती थी, अभी टैक्सी तो 10-12 टैक्सी लग रही है। हमें इसका लेबर पेमेंट भी बच्चों का निकल रहा है नहीं सर, जो हमारे कर्मचारी उनका पेमेंट भी नहीं निकल रहा है इस टाइम।